एमएलए ने अज कांग्रेस के शामिल हो जा रहे हैं, पार्टी की सैकुलर सोच न जुड़न जा रहे हैं। असी उन्होंने तह दिलों वेलकम करते हैं और यह विश्वास दें कि जिस तरह एक परिवार के मैंबर नूं सम्मान और इज्जत दी जाती है, असी इन्हां नूं पूरे सम्मान दे नाल अपनी पार्टी के परिवारक मैंबर बना के रखा। थैंक यू। सब तो पहला मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हरीश चौधरी जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी, पीटीसीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी, सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी, लखवीर लखा जी, अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग जी, प्रगट सिंह जी, ते होर जिन्नी भी कैबिनेट है, सारी कैबिनेट का तह दिल तों धन्नवाद करती हाँ कि अज मैनू बहुत ही सुभाग प्राप्त होया कि मैं कांग्रेस पार्टी दे विच शामिल हो रही है। सो मैं माफी भी मांगती हूँ सारे मीडिया कर्मियों को, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रही थी, मैं कुछ दे अटेंड कर पाई कुछ नहीं, थोड़े भी लोगों के भी बहुत फोन कॉल आ रहे थे। सब तो यही सवाल होना है कि रूबी ने आप आदमी पार्टी क्यों छड़ी ते कांग्रेस क्यों छड़ी। सो मैं थोड़ा जो सवाल है कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, थोड़ा जो सवाल है मैं वह पहला ही जवाब दे दिनी हाँ। मैं बिल्कुल आम घर की लड़की है, पीएचडी कर रही है, नेट क्वालिफाइड है, ते सोशल वर्कर भी है, ते एक सोच नूं लेके आई सी कि पंजाब का कुछ असी अच्छा करिए, कुछ बेहतर करिए। ते मैनूं लग्गिया सीगा केजरीवाल जी नूं देख के, आम आदमी पार्टी दीआं नीतियां नूं देख के, कि उह वाकई आम आदमी लई बहुत अच्छा काम करनगे। ते पर पता तां उदों लगदा ना जदों तुसीं पार्टी दे विच एंटर करदे हो, जदों सिस्टम दे विच एंटर करदे हो, जदों असीं आपां प्रैक्टिकली हुंदे आ। पर एंटर करन ते पता चलिया कि इन्हां दी कहनी ते करनी दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। समय समय ते इहो जिहे डिसीजन जिन्हां नाल के पार्टी हमेशा नीचे नूं ही आउंदी गई है। सो जिहड़े साडे वर्गे दिलों पार्टी नाल जुड़े सी, साडा भी बहुत मन खराब हुंदा कि इह हो की रहा है। सो तां करके मैं आम आदमी पार्टी छड्डी है, क्योंकि उहदे विच आम लोकां लई जां पंजाब दे लोकां लई तां कुछ काम ही नहीं हो रहा। ते हुण तुहाडा सवाल होगा कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन कीती। देखो एक विचारधारा हुंदी है, जिवें मैं सोचिया सी कि आम आदमी पार्टी दी विचारधारा होगी, पर उहनां दी विचारधारा जमा भी उवें नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। पर कांग्रेस दी विचारधारा उवें हैगी है, जिवें कि असीं देखिया पिछले 50 दिनां दे विच साडे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ते साडे पीपीसीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी, जिवें इन्हां ने पंजाब दे विच काम कीता है, और दिल्ली दे विच 49 दिनां विच आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं कर सकी सी, जिवें इन्हां ने 50 दिनां दे विच करके दिखाता। सो असल दे विच असली आम आदमी की जिहड़ी पार्टी है इह पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिहड़ी एक्चुअल दे विच आम लोकां लई काम करदी होवे, चाहे वह लाल घीर वाला काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानिया के मुद्दे होन, कोई भी काम हो, असल दे विच इन्होंने करके दिखाया। तो मैनू बहुत खुशी हुंदी है कि मैं एदा दी टीम दे नाल काम करूंगी। सो मैं यही मुद्दे लैके, यही सोच लैके अज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो मैनू बहुत खुशी भी हो रही है। ते नाल ही मैनू यह भी खुशी है, देखो साडे जिहड़े कांग्रेस पार्टी के मेन साडे जिहड़े सुप्रीमो ने, और एक लेडी है मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी है, ते जिवें एक औरत पूरे परिवार दे विच बैलेंस रखदे आ, उवें उन्होंने पार्टी दे विच भी पूरा बैलेंस रख्या होया है। ते नाल ही प्रियंका गांधी जी जिन्हां ने औरतां नूं यूपी दे विच भी 40% कोटा दित्ता राजनीति दे विच, ते बहुत यह अच्छी गल है कि औरतां नूं इन्नी अहमियत दित्ती जांदी है, इन्नी रिस्पैक्ट दित्ती जांदी है। सो इस करके मैं चाहे
यूथ है पंजाब का, चाहे सारिया लेडीज ने, चाहे एससी वर्ग है, मैं सारे कहूंगी कि असल काम जिहड़ा आम आदमी लिए करना सी वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ते वो भी वध तो वध कांग्रेस की पार्टी नू ज्वाइन करन, क्योंकि एक्चुअल काम यही कर रहे ने। धन्यवाद। देखो मैं कौन हुनी है दा कुछ कहण वाली जां करण वाली, ओ तां हाई कमांड ने देखना, जिवें हाई कमांड दा फैसला होगा मैनू मंजूर है, क्योंकि जरूरी नहीं हैगा कि असी जे लोक सेवा करनी है तो असी आम आदमी पार्टी च कर सकते, असी लोक सेवा करनी है उहदे लई जरूरी थोड़ी तुसी एमएलए हो, तुसी लोक सेवा करनी है तो तुसी किसी भी पार्टी च कर सकते हो, तुसी कांग्रेस च भी कर सकते हो। नहीं वो भी जल्दी स्पीकर साहब ना गल करके जिवें लीगली होगा मैं दूंगी। पहली गल तो मैं थोड़े सारे दे जरिए लोगों भी दसना चाहनी हूँ, जो सानू दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने बुलाया सी, उन्होंने सारे सानू यही कहा सी भी तुसी आपदे आपदे हलके दे विच काम करो, यानी कि टिकट तो सीगी साडी पक्की, पर मैं तो स्पैशली मैं तो आपके लिए तो लड़ ही नहीं रही सी, मैं तो लड़ रही थी भगवंत मान जी लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा तुसी क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, तुसी की गल है, हालांकि साढ़े सारे पंजाब के आम आदमी के वलंटियर जेड़े भगवंत मान जी चाहते भी उन्होंने अनाउंस करो, नहीं किया गया, मैं तो उन्होंने लड़ रही थी। हुण जो तुसी हरपाल चीमा जी वाली गल पुछी है, कोई तो नाभे टिकट लैन फिरद, कोई उदो बठिंडे शहर तो मज कहना मैं मुआवजा मानसे तो दे दो, मेरी टिकट की गल करते, मैं तो बिल्कुल भी टिकट ली डरी नहीं हैगी, मैं तो इन्ना निधड़क होके बोली हैगी भी भगवंत मान जी ऐलान करो टिकट, डर तो इन्ना जो बोलते नहीं पे, कल परसों जो सैशन शुरू होना से कुछ मीडिया कर्मी अपने एल ओ पी साहब की कोठी भी आए थे, फोटो भी तुम देखी होनी है जो सा मीटिंग हुई है, उदो भी सारे एमएलए ने यह गल कही भाई अपना पंजाब च बहुत बुरा हाल है, आप मता पा के भेजिए भी भगवंत मान जी आप सीएम का चेहरा क्यों नहीं ऐलान करते, किसी भी चलो दो तीन एमएलए अंदर खाते उन्होंने है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है भी असं मता पा के उसे भेजिए, गल तो यह है ना दिल्ली के गल टली कौन बने, हिम्मत नहीं पी, तो मेरी टिकट की गल डर आप टिकट कट्ट का भी जे असी बोल पे साड़ी तो टिकट ही कट्टी जाऊगी, डर तो ना आप की टिकट का, मैंने तो बिल्कुल डर नहीं सी। सर मैं हूं देखो एक मिनट हूं मैं बोलना, बहुत बहुत वीर जी मैं बोलना गा, एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, इना भी ना तुम बहुत स्याने बंदे हो, पहली बार कुछ एमएलए बन के आई है, और सोच है एक के मैं पंजाब के वास्ते कुछ करना है, मैं लोगों वास्ते कुछ करना है, मैं आम आदमी वास्ते कुछ करना है, उस जोश नू देख के पंजाब का बहुत बड़ा यूथ तबका आम आदमी बन गया सी, लेकिन उसे उना दिया जिहड़ी कारगुजारियां जब देखिया, जब आम आदमी पार्टी दे काम देखे, उना दी नीयत देखी बिच रह के इन्हां लोकां ने, तां इह उसे जोश दे नाल अज साडे वालों वध रहे है ते वापस आ रहे। असल दे विच गल क्या है कि पंजाब दे लोक आम लोकां दा राज लभदे फिरदे सी, कि आम लोगों का राज होवे, लोगों की सुनवाई होवे, लोगों को राहत कोई देने वाला आवे, लोगों को गरीबी चो कढे, लोगों को मिडल क्लास की कोई गल करे, पंजाब की कोई गल करे, करप्शन दूर करे, हूँ पंजाब के लोगों को वह राज मिल गया, इस करके ये मेरी भैन भी ने सोचा कि लोगों का राज चाहिए सी, आम आदमी का राज चाहिए सी, हूँ पंजाब विच आम आदमी का राज स्थापित हो गया, इस करके आम आदमी पार्टी जेड़ा के एक बहुत बड़ा छलावा सी, ड्रामा सी, उसनु छड़ के पंजाब दे लोग कांग्रेस वल मुड़ के आ रहे। मैं अपनी भैन नू बहुत बहुत मुबारकबाद देना, वो गिद्धे विच मेरी माँ एक बोली पाई करती सी, कहिंदी बधाइयां भैणे तैनू बधाइयां नहीं, बधाइयां तेरे आक नू, तेरे साक नू, तेरे बाप मां बाप नू जिन्हें रखिया रुबी ना, तो बहुत बहुत शुभकामनावां, एक अच्छी सोच दे नाल पढ़ी लिखी कुड़ी है, पीएचडी कीती हुई है, कर रही है, ते एक सोच है कि पंजाब की सेवा करनी है, ना टिकट मिले ना मिले,
मैं तो ईमानदारी दसदा कि जिस दिन मनु ये मिली है मनु ने एको गल कही कहिंदी जी टिकट दी मनु कोई चाहना नहीं है टिकट मिले ना मिले मैं थोड़े नाल मिलके काम करना मनु पार्टी कांग्रेस पसंद आई है मनु थोड़ी सोच पसंद आई है लोकां दे विच जिस तरीके दे नाल तुसी विचर रहे हो पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल सारे काम हो रहे है सानू वो पसंद आया इस करके असी थोड़े पास आए है सो मैं धन्नवादी हाँ देखो गल कानू खोल दियो हुण गल्लां आम आदमी अज असैंबली विच वी मिनोरिटी है इस तो ज्यादा नहीं मैं कुछ कहना चाहता कि सारे ही लगभग सोच रहे हैं कि हुण इस पासे आईए क्योंकि लोग पंजाब दे जिहड़े चंगे लोग है जिहड़े पंजाब दी तरक्की पाड़दे है जिहड़े सिस्टम दे खिलाफ लड़ रहे है वो अज जो देखते कि अज मौजूदा सरकार मौजूदा पार्टी कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी की यूनिट मौजूदा अज सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहती है लड़ रही है इस करके वो साढ़े नाल आ रहे हैं पंजाब का यूथ बड़ी गिनती दे विच पहला यूथ नूं लग्या सी पता नहीं है कोई करिश्मा ही आ गया लेकिन हौली हौली पता लग्या करिश्मा नहीं है राजनीतिक सोच के नाल पंजाब के उपर राज करन वास्ते दिल्ली से और होरना स्टेटा तो बंदे आउंदे है लेकिन वह गल हुण निकल गई है विचों ते हुण पंजाब दे विच आउण वाले दिनां दे विच और पिछले 50 दिनां चों आम लोगों का राज स्थापित होया ते असी वेलकम करते हैं अपने MLA जेडे कि आम आदमी पार्टी चों आए है ते होर भी लोग जेडे कांग्रेस दे नाल चंगे लोग जेडे चंगी सोच दे मालिक है जुड़ना चाहते हैं उन्हां नूं भी जी आया करते हैं मैं धन्नवादी हाँ अपनी हाई कमांड का प्रधान जी का सारे मंत्री साहबान का जेडे इत्थे आए है ते असी साढ़े प्रधान जी ने वेलकम कर दिता मैं भी इन्हां नूं पार्टी दे विच जी आया मेरी गल सुनो यार तुसी मन्नू वो कहिंदा भी नकली आम आदमी है उन्हूं क्या पता भी सन्नी क्या हुंदी है धार क्या हुंदी ते किवें चोरी दी है उन्हें कदे घर दे विच मझां रखियां मनु सुनो एक मिनट मनु धार भी चोनी आती है मनु सन्नी भी करनी आती है मनु पता है कि जे मैं इस दुध ना दवे तो टीका कि लाइए मनु लाना आते मनु दुध भी चोना आते मनु पता है कि हारे दे विच दुध किवें पकदा लाल हुंदा ते किवें मैं अपनी मां तो थोड़ी जिहा पासे होके उन्हें चोरी करके पींदा सी इस करके आम आदमी किस तरह रहिंदा किस तरह अपने पिंडे ते गर्मी हटाउंदा है किस तरह जट नूं अपने कच्चे कोठे च गर्मी लगती है ते असी छत पर जाके अपना मंजा बछा के थले पहला हेठली चादर नूं गिल्ली करदे फिर उपर गिल्ली करके पग लैंदे हैं कि सानूं मच्छर भी ना लड़े ते साड़ी रात भी ठंडी ठंडी कट हो जाए ये आम आदमी दीआं गल्लां कित्थे केजरीवाल नूं पता है यारो किस तरह उन्हूं पता कि किस तरह गोल कुंडली ते गुल्ली डंडा ते किदा बांदर किली खेली जांदी गरीब लोग किस तरह खेलदे ते साडे नौजवान मुंडे उन्हें पुछो बांदर किली क्या हुंदा है ये चीजा का कितने पता उन्होंने किसी दिन पूछ ली क्या बंदर किली किस तरह खेलते हैं उन्होंने क्या पता है इस करके आम आदमी नु ही ये गल्ला पता है पंजाब का नौजवान किस तरह पंजाब दे विच स्ट्रगल कर रहा है क्यों बाहर जाना पै रहा है ये सानू पता है उन्होंने नहीं पता है अच्छा हूं ऐसी पहला आ शगन मना लिए पहला शगन कर दिए फिर बाकी बाद च आपां गल्लां करदे रहिंदे मेरी फैमिली भी मेरे फादर फादर लॉ मदर मदर इन लॉ सारे आए जी बचपन से कर लेने
थैंक यू सर।